अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत है? ये हमारे पास सारे नए डिज़ाइन आ गए हैं जड़ाऊ में, पर्ल के साथ हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पर्ल में आया है ये। और इसकी रेंज भी बड़ी मुनासिब है, 40 से 50 ग्राम 60 तक भी मिल जाएंगे आपको, और बड़ी अच्छी प्राइस में है ये वाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफस्टाइल से। 9:36 का टाइम और बाय बारिश हो रही है। हमने प्लान बनाया है चाय पराठा का नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। बारिश वाला वेदर है, मज़ा आएगा सजान पराठे खाने का। ट्राई करते हैं कैसा है। वैसे हर एक की अपनी पसंद होती है, पता नहीं किसी को कोई हमारा बताया रेस्टोरेंट अच्छा लगे ना लगे, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है हम उसका बता देते हैं, बाकी हर एक की अपनी पसंद होती है। अच्छा है। अब ये पराठे का सुना है, कोयटा वाले पराठे, आप देखते हैं जाके कि वाकई कोयटा वाले हैं या नहीं। ना इनकी कोई थाली मिलती है उसमें हलवा, चने, दो पराठे, चाय, आई थिंक अचार, $12 में है, लेकिन फिर भी जाके बताते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो जाके बताते हैं कि मैं ठीक कह रही हूँ। 11 बजे खुलेगा ना सजा, तो टाइमिंग देख के आना। ओके, ये लोग भी गाड़ियों में बैठे हैं। अभी हमारे पास हुए हैं 10:52, इसका मतलब है कि सिर्फ 8 मिनट्स है। ये सामने स्क्वायर वन है, इसके बाद हम इधर भी जाएंगे घूमने फिरने। पहले तो स्टार्टिंग में ही देखे कितनी प्यारी इनकी डेकोरेट किया हुआ इन्होंने। प्रेरिया भी है यहाँ पे। बचपन की चैनक हमारे गांव में होती थी ऐसी, यार मेरी नानी के घर में होती थी। नानी का घर याद आ गया। चलो भाई ने तो हमें पहचान लिया है कि हम तो भाई वही हैं जो एक बार बसंत मेले पे आए थे। बैठो बच्चा, फ्रेश बफलो मिलती है, खास के भी होती है, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मेरे पास रबड़ी होती है, पाकिस्तान में जो आपने खाई होगी आप यहाँ खाएंगे, असली खास के दूध की रबड़ी। आइसक्रीम है, वनीला है, चॉकलेट है, और लस्सी हमारी रबड़ी वाली लस्सी। आप चीज़ें खाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब आप। हाँ ये है, तलावत कितनी अच्छी लग रही है ना। ये जो दो है ना, ये इनके प्लेटर हैं, एक $18 में, एक $12 में। जो $12 में है उसमें दो लच्छा पराठा, चना मसाला, हलवा, अचार एंड कड़क चाय। और जो दो लच्छा पराठा है सेकंड वाला, उसमें चना मसाला, हलवा, अचार, कढ़ाई कीमा और फ्राई कबाब, दाल एंड कड़क चाय। अब सजाद जो कहेंगे वही ऑर्डर होगा। बाकी इनकी बाकी चीज़ें भी है, निहारी भी इनकी है, नाश्ते में ऑमलेट भी है इन्होंने कहा है। बैक साइड पर उसकी प्राइसिस हैं। खाली चाय लेनी है $2 में, दूध पत्ती काओ मिल्क वाली $4 में, बिरयानी भी है $12 में, बिरयानी चिकन बिरयानी, 2 एग चीज़ ऑमलेट $10 में, सब खा लेना। ऑमलेट्स भी हैं, ऑमलेट्स भी हैं, तो बस आप जो कहोगे बस वही ठीक है। नहीं माशाल्लाह, मुझे लग रहा था अंदर से कि बाहर से कि छोटा है, लेकिन कितनी अच्छी स्पेस है इनके पास। फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन स्पेस से तो बहुत खुश हो गए हैं सारा देख के। सबसे पहले ये लिया कर आया, क्या है सीधा लस्सी। चलिए आप ट्राई करो, बताओ कैसी है। कितनी अच्छे मिट्टी के बर्तनों में प्रेजेंटेशन। उफ अल्लाह, क्या मजे की। बहुत मजे की, जबरदस्त है। इसके अंदर जो है इसका बाइट वो ले जाता है, ये रबड़ी है खाली वैसे भी बहुत अच्छी है।
मीठी लस्सी और अंदर रबड़ी डली हुई है, क्या मजे की। कनाडा में इतने टेस्ट, उफ माशाल्लाह बहुत मजे की। लस्सी से तो सजा सबको क्या कहोगे, किस आ जाओ बेशक लस्सी पी जाओ, फर्स्ट चीज ही इतनी मजे की उन्होंने ला के दी है। मक्खन का जो है ना जायका, एक हर चीज का अपना फ्लेवर फील होगा। और चाय तू मैं और ये चाय आए आए अफान को टेस्ट करो, करे दे ये पीने के साथ है। और ये मैं लाया हूँ आपके लिए फ्राई कबाब, ठीक है, थैंक यू। इसमें दाल होती है, चना मसाला होता है, फ्राई कबाब है, इसमें कढ़ाई कीमा है, सेम पैटर्न, ठीक है, शुक्रिया जी बहुत बहुत। क्या भाई बल वाले पराठे हैं ये, तो बिल्कुल भी कोयटा वाले लग रहे हैं यार। तो छोटा वाला प्लेटर, जैसे कभी एक बंदा आ रहा हो जिसने सिर्फ वेजिटेरियन हो, जैसे हमारे पास बहुत इंडियन आते हैं, पंजाबी आते हैं, जैसे वेज खाते हैं, तो उनके लिए हमने रखा है चना मसाला और पराठा, और हम जो गोश्त खोर हैं वो ये वाला, ठीक है, शुक्रिया जी। रबड़ी है सजाद, मैंने तो कनाडा में नहीं खाई ऐसी रबड़ी, ये इतनी अच्छी इनकी, क्यों कैसे इतने अपना इतना अच्छा मियार रखा हुआ है। ये देखो वो सही कह रहा है कि लोग पराठे रबड़ी के साथ ये खाते हैं, मिला करो और ज़बरदस्त से इनके रिव्यू दो ना। वेजिटेबल भी इनके पास है, अगर वेजिटेरियन ऑप्शन भी है इनके पास। आपका व्लॉग सब कह रहे हैं मेक मेक बार आता है, सिंपली शाना अपने, चलो हसान अफान बच्चे चेक करो। हाँ जी, वाह क्या पराठे हैं, जबरदस्त। पराठे देखना जरा, ये बल सही बल वाले गरम गरम बहुत मजे का। कीमा ट्राई करूं पहले, ये बड़े बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो ये भी हम ब्रेकफास्ट में जो है ना वो जो कुछ भी नहीं खा रहा जैसे, तो उसके लिए चीज ऑमलेट चीज एक ट्रे बच्चों को उस तरफ पास कर दे। ईशा रील बना रही है भाई, ईशा की रील जरूर देखना, मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, ठीक है। कह रही पापा आपका ऑमलेट क्या चीज है, ऐसा ऑमलेट है, ये हलवा है, ठीक है। यकीन करो कनाडा में कोयटा वाल पराठा जरूर आना प्लीज, मेरे कहने पे आना। सेम टू सेम, ये सबसे स्पेशल आइटम है जो लोग पराठे के साथ खाते हैं, रबड़ी लगा के। भाई ने हर चीज ला के हमें अब टेस्ट करवाई, अब करनी तो पड़ेगी कि क्या क्या है इनकी स्पेशलिटी, और वाकई बहुत मजा आ रहा है। तो जरूर ये हमारा कराची का सबसे जबरदस्त बनकवाद है, जो लोग बड़े दूर दूर से खाने के लिए आते हैं, ये भी जरा ट्राई करें। भाई आप इतना कुछ ला ही रह जाएगा, नहीं बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज्यादा ले आए हैं, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि आप खा रहे हैं बिल्कुल, आपको भी आईडिया हो, ये सारी चीजें कराची की स्पेशलिटी एक्चुअली, ये अच्छा पराठा है सब कराची का, इतना मजे का मैं आपको सच में बता रही हूं। ये सुजात ने अभी यूं करके बताई है इसकी सारी लेयर्स ना, जी 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 बहुत अच्छी है, खासतौर पे जो है ना मजा बहुत अच्छे, न माने जा सके तो इसे दाल नहीं डाली,
बहुत अच्छे चने हैं, बहुत क्लास के। इतने दाल अलग दी दी, उसने सब मिक्स ही कर दी थी। नहीं बहुत अच्छे चनों का जायका, पराठे का मज़ा। मामा ऑमलेट ट्राई करने बहुत अच्छा मज़े का है। ओके बेटा ये लो, यानी ये आपका ब्रंच है पूरा। ईशा यार ये तो चीज़ है, हटा इतनी चीज़ी आमलेट, रेस्टोरेंट वाले कभी डालेंगे इतनी चीज़? आप ऐसा करो, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसलिए नहीं हम तारीफें कर रहे हैं। अचार उठाओ के साथ चने का, ये कीमा और वो कीमा सेम है? वो डिफरेंट है, ये कबाब है। अच्छा ये कबाब है, ट्राई कराओ। ये बहुत मजे का हलवा। कैसे मेरा हलवा नहीं? चाय आ गई है अपने अपने ट्रक में, एक ट्रक इनको दे दो। ये सबसे स्पेशल आइटम लाया हूँ लास्ट में आपके लिए, ये नली निहारी। आपने ये यहाँ कहीं नहीं खाई होगी टोरंटो में, ये नली स्पेशल है मनवा के लेकर आता हूँ। कराची स्टाइल है बिल्कुल, ये सर्व भी हम उसी तरह करते हैं। नली का साइज चेक करें, या आप यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट में गएंगे आई डोंट थिंक सो कि ये साइज आपको, ये स्पेशल मनवा के लेकर आते हैं। बहुत अच्छी लग रही है। इसके हमने इतने आपको सही रिव्यू दे रहे हैं ना कि वाकई ये कराची वाली निहारी वो ठीक कह रहे हैं। आपको शक्ल से देखो कैसी लग रही है सजा, निहारी आपने खाई कैसी है? निहारी बहुत बहुत ही मज़े, इतने बड़ी नली को दे क्योंकि ऑलरेडी खाना ज़्यादा है। ये नली आप अपने लिए डालो ये बड़ी शाना। ये बन कबाब जो था ना, इसका रिव्यू दें ये कैसा है आप चेक करो। अभी बारी आती है डिज़र्ट की, सजाद आप ट्राई करो ये कैसा है। आइसक्रीम है, बहुत मज़े की। जल्दी आ गए सुबह, वरना बड़ा बिजी होता है, बड़ा वेट चल रहा है। ये अभी नहीं है, बिजी अभी होना सिर्फ घंटे का वेट होता है, 40 मिनट का वेट होता है। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और बहुत अच्छा माशाल्लाह। बिल्कुल खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, खाना टॉप क्वालिटी होना चाहिए। हर चीज अपनी जगह पे होना बेहतरीन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि नहीं यार। अभी आप हमें बिल का ला के दें और फिर हम निकले और ये साथ चलते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो मेरे बच्चे आप लोगों को फॉलो करते हैं तो मुझे एकदम से याद आ गया। अच्छा, उन्होंने मुझे कोई पतंग वाली वीडियो दिखाई थी। हाँ, जी, तो जी। मुझे याद आया कि क्योंकि हमने बसंत किया था तो आप उससे पहले आप लोग किसी आपने वीडियो डाली थी। अच्छा। हमें वो तो टाइम नहीं होता था टीवी देखने या घर ही लगे होते, लेकिन अब आप बनाएंगे तो देखेंगे, उसको शेयर भी करेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी और बढ़ाएंगे। नहीं, हम सबको जरूर रिकमेंड करेंगे कि जरूर आना यहाँ पे, ऑनेस्टली यकीन करें। एनी टाइम फ्रेंड्स को भेजिए, हमें बाहर से 70 लोग की जगह बैठने, लेकिन जब हम आए और अंदर आए ना तो बहुत बड़ी जगह माशाल्लाह। दोस्तों को भेजें, फ्रेंड्स को भेजें, फैमिली को भेजें, मजा आएगा आपका अपना रेस्टोरेंट आप समझे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुद बहुत मजा आया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, मुझे अपना नंबर भी दे दें आप कॉन्टेक्ट। जी जी बिल्कुल। सजाद ये तो बहुत बुरी बात होगी यार, उन्होंने तो बिल ही नहीं लिया। अजीब सा नहीं लग रहा? वो उन्होंने हमें पहचान लिया, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है ना आपकी वीडियो देखकर आपको फॉलो करते हैं। चले बहुत 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 शुक्रिया। शुरू में बात नहीं हुई थी बिल्कुल, ये एंड पे आके इन्होंने ऐसी बात करी। बिल्कुल, बहुत बहुत इनका शुक्रिया और जरूर रिकमेंड करूंगी, आप जरूर आए यहाँ पे।